नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीर्य पतन से साधना करने वाले साधकों पर क्या असर होता है और साधना में क्या क्या दिक्कत आती है आपको बताऊंगा। आज मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आप सभी से पहले रिक्वेस्ट कर दूंगा, वीडियो स्किप करके नहीं देखना है। यहाँ पे कोई बताने का कोई चार्जेस नहीं है, ना मैंने किसी से चार्जेस लेना, ना मैं कुछ आपको बताऊंगा। आपने वो चीज़ डाउनलोड करनी है, आपने सिर्फ सुनना है। सुनने मात्र से अगर आपने एक लाइन भी पकड़ ली, अगर आपको लगता है कि इस बंदे की वाणी में एक भी शब्द आपको सही लगता है, तो आपका काम बन जाएगा। काफ़ी लोग मैं बोलता हूँ ना कि बंदे ढूंढते हैं कि अच्छा गुरु मिले, नेक गुरु मिले, योग्य गुरु मिले। गुरु योग्य होगा तो भाई आपको बता दूं, गुरु को भी ऐसी आगे आशा होती है कि उसका जो चेला हो वो उससे भी योग्य हो। क्योंकि कोई भी बाप ने ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा नीचे रहे, हर एक बाप को आशा होती है कि मेरा बच्चा ऊपर जाए। उसी के अकॉर्डिंगली किसी को ज्ञान दिया जाता है। और आपको बता दूं, जितनी भी साधना भक्ति आप लोग करते हो, फल और इच्छा ये आपने मार के करना होता है। आपने सिर्फ पहले अपना साधना करो, क्योंकि काफ़ी बंदों में मैंने आदत देखी है, जब कोई भी चीज़ दी जाती है तो वो कमेंट करते हैं क्या ये काम करेगी, इससे वो मिलेगा, इससे वो मिलेगा। अरे भाई तू पहले कर तो रहे, प्रैक्टिकल तो कर तू, क्या पता वो चीज़ तेरे पास ही ना है। ज़रूरी नहीं है एक बार में सफलता मिल जाए किसी चीज़ की। हमने भी धक्के खाए हैं कभी, हम भी भटके थे कभी, हमने भी धक्के खाए हैं। अगर आज आपको लगता है कि यार ये बंदे के पास कोई दिव्य शक्ति है, ये बंदा आगे निकल गया, तो आपको बता दूं भाई मैंने मेहनत करी है। जब आप लोग सोते हो मैं उस टाइम जगता हूँ, आसन पे बैठ के मैं माला फेरता हूँ भाई। कष्ट तो मेरी बॉडी को भी होता है, दुख दर्द मेरे को भी होता है, अपनी सारे फीलिंग पे कंट्रोल किया हुआ मैंने। इस दुनिया से दूर हूँ, परे हूँ मैं, उस मालिक के रंग में मस्त रहता हूँ, तभी इतना फल मिला है, तभी ये वाणी पे शब्द चढ़ते हैं उस मालिक की दया से। तो अभी बताता हूँ आपको कि जितने भी साधक हैं, सबसे पहले बता दूँ जिसके साथ नाइटफॉल होता है, नाइटफॉल वज्रित है, वो माफ है, वो साधना में वो गिना नहीं जाता है। क्योंकि अपनी इच्छा से किया गया सेक्स ही या संभोग ही वीर्य पथ है। अगर वीर्य पाथ आप करते हो, चाहे वो हाथ से करते हो आप, चाहे किसी स्त्री के साथ करते हो, या आप किसी और तरह करते हो, वो गिना जाएगा सेक्स जो आपने अपनी इच्छा से करा है। नाइटफॉल को छोड़ के अभी वीर्य पतन से क्या होता है कि आप लोग कोई भी साधना करते हो, चाहे वो कोई है, वैदिक साधना है, शावर मंत्र की साधना है, गुरु मंत्र की साधना है, आपको क्या होता है कि जितना वीर्य पतन यानी जो जिसका बंदे का कंट्रोल होगा इस चीज़ पे, सेक्सुअल थिंग पे, जितना ज़्यादा बंदे का कंट्रोल होगा, क्या होता है कि जब किसी भी मंत्र का जप किया जाता है, तो जप के दौरान क्या होता है कि सबसे पहले मंत्र के जो कुछ शब्द होते हैं, अगर वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है या शावर मंत्र है, शावर मंत्रों में जहाँ जहाँ पे भी जिस जिस शब्द में, जिस जिस वाणी में, जिस जिस बंदे की या जिस जिस परमात्मा की दुहाई लगती है, जिस भी देव या दानव कुछ भी है उसकी दुहाई लगती है, उन दुहाइयों के साथ क्या होता है कि इंसान के शरीर का जो निर्माण है वो पाँच तत्व से हुआ है। वो आपको पता है कौन से पाँच तत्व हैं, उन तत्वों में होती है हलचल। सबसे पहले मूलाधार है, जहाँ से वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे वो बोलते हैं गुदा है आपकी, वहाँ से मूलाधार, मूलाधार पे वो चीज़ अटैक करती है। बीज मंत्र करोगे तो वहाँ पे कंपन महसूस होगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से एनर्जी ऊपर को उठती है। वो एनर्जी जब एक लेवल पे आती है, ऊपर उठती है, तो वो आज्ञा चक्र में जब एंट्री करती है, क्योंकि जब एक वायर में वो बोलते हैं ना करंट चलेगा तो सभी वायर में घूमता है वो, ऐसा नहीं कि झटका नीचे लगे, ऊपर तक आएगा धीरे 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 धीरे। जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके मंत्र वो बोलते हैं ना कि माला फेरने की क्वांटिटी बढ़ेगी और आप लोगों का आसन पे बैठने का टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके आज्ञा चक्र में आपको आकृति आनी शुरू हो जाती है। पहले ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर होता है आपके आत्मा का प्रकाशन, आपकी आत्मा का कलर होता है वो। चक्रों के कलर अलग है, सात प्रकार की, जैसे आपको रेनबो आकाश में दिखाई देती है आफ्टर बारिश, जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद दिखाई देती है, वैसे ही आपको वो सात तरह के सात चक्कर दिखाई देंगे। और जिस दिन आपकी पूर्ण रूप से कुंडलिनी शक्ति वो बोलते हैं ओपन होगी, आपको एक फूलाधार में यानी एक फूल बन जाएगा, उस फूल के दौरान ही आपको वो जो सर्कल है वो बाहर बने दिखाई देंगे, वो रेड होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा। और उसके बाद जो आप सस्तरा चक्कर के ऊपर पहुँचते यानी सातवें चक्कर, तो आपके आपके अपने सर के ऊपर ही आपको एक चक्कर दिखाई देगा का कलर पर्पल यानी कि बैंगनी कलर होता है। और उसके बाद शुरू होती है ब्रह्मलोक की यात्राएं, शुरू होती हैं आगे की। बार बार वीर्य पात करोगे तो वीर्य पात से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको बोलते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ज़्यादा बंदा डीपली किसी चीज़ में घुसता है। जैसे कि कोई बंदा बड़ी ज़्यादा भक्ति करता है, जब बहुत ज़्यादा माला फेरता है, जो आसन पे घंटा सवा घंटा बैठने की क्षमता रखता है, वो भी ध्यान की कंडीशन में बिना हिले जुले वो बैठता है, वो फोकस करता है कि मेरे मन में विचार ना आए, मैंने उस चीज़ तक पहुँचना है, तो वो बबर गुफा में जब घुसने की एंट्री करता है तो उस टाइम उसके वो बोलते हैं ना आज्ञा चक्र में कुछ आकृतियाँ और कुछ जीव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कोई जानवर आता है, शेर आता है, हाथी आता है,
कोई लंबी गर्दन वाला जानवर आ गया, कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है, या कोई कपड़ा आ गया, कोई चिमटा आ गया, कोई धुआं दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई दे सकता है, जीव दिखाई दे सकता है, दानव हो सकता है, वो देव हो सकता है, कोई भी शक्ति, कोई अज्ञात शक्ति भी हो सकती है जो उसको गुमराह कर रही हो, जो उसकी परीक्षा ले रही हो, उसी शक्ति को अगर आप पकड़ना चाहते हो तो आपको वीरपाथ रोकना पड़ेगा। साधना में इसका क्या फर्क पड़ता है, जितना ज़्यादा वीरपात करते जाओगे आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता जाएगा। ये तो एक बैटरी की तरह है कि आपने बैटरी, मान लो कि मैंने आज मैंने सेक्स कर लिया, कल से मैं पूजा में बैठ जाता हूँ, 11 दिन तक मैं कुछ नहीं करता, 11 दिन में मैं 11 माला फेरता हूँ, यानी कि डेली मैं 11 माला फेरता हूँ, 11,000 का जप कर दिया मैंने, बैटरी होगी मेरी फुली चार्ज, एनर्जी पूरी उठ रही है मेरे को। 12वें दिन मैं सेक्स कर लेता हूँ, उसके बाद माला फेरता हूँ, तो आप समझ लेना कि जो पिछली 11,000 जप किया वो आपका हो गया जीरो, लेवल जीरो, आपने दोबारा से शुरू करना। अनुभव आते रहते हैं, संभव करना कोई वो बोलते हैं ना कि बड़ी बात नहीं है, संसार का नियम है ये, संसार इसी पे चल रहा है, लेकिन संभव करने का यह भी मतलब नहीं है कि आप कहीं और मुंह मारो। एनर्जी अपनी वो बोलते हैं ना अपने जीवन साथी को देनी चाहिए, जिसके साथ आपने 7 चक्कर लिए हैं, जिसके साथ आपने अग्नि के फेरे लगाए हैं, जिसको आपने अपने तन मन से सब तन मन धन अपना सब कुछ दिया। सिर्फ नाइटफॉल को छोड़ के, नाइटफॉल बजरित है, और बाकी किसी भी प्रकार का अगर आप सेक्स करते हो तो उसमें आप फंस जाओगे, साधना में आपको दिक्कत आएगी। और आपको बता दूं, लोग पूछते हैं भैरव बाबा, हनुमान बाबा ऐसी साधना के पीछे पड़ते हैं, ये साधना बता दूं आपको, ये बिल्कुल पूर्ण ब्रह्मचार्य मांगते हैं। भैरव बाबा तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, किसी गुरु पीर ने बताया नहीं हुआ, वहाँ पे यूट्यूब पे सीधा बता देते भैरव बाबा की आप सिद्धि कर लो, ये कर लो। आप लोगों को बता दूं, भैरव बाबा की सिद्धि करनी तो दूर की बात है, भैरव बाबा की अगर चौकी चढ़ जाए किसी पे, किसी की वो लेडी भी होगी, अगर मान लो मेरी शादी हो जाती है, मैं उनके चौकी चढ़ा लेता हूं अपने ऊपर, उनकी सेवा लगा लेता हूं, कल को मैं उनके अपनी वाइफ के साथ अगर मैं रिलेशन बनाता हूं तो मेरी वाइफ को दिक्कत करेंगे वो। और भाई मैं बता देता हूं, ये मेरा अनुभव है, ये करा हुआ, करने के बाद ही आप लोगों को बता रहा हूं, इसीलिए बोलता हूं कि पहले प्रैक्टिकल कर लो। गुरु कहाँ पे बंदा धारण करता है, जहाँ पे उसको ज्ञान नहीं मिलता है। नेट और सोशल मीडिया की रही बात, ये सिर्फ जानकारी देते हैं कि अगर आपको पता नहीं लगता ये चीज़ है क्या, तो आप वहाँ पे जाके सोशल मीडिया पे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप पूर्ण बोल लो कि आपने एक डॉक्टर बनना है और आप नेट से वीडियो देख के अगर आप किसी का ऑपरेट कर सकते हो, तो वो फिर गलत है, रॉन्ग है। प्रैक्टिकल आपको आपके गुरु के साथ ही करना पड़ेगा, और गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना मूर्ख है प्राणी। और मेरी बातें मैं बोलता हूँ, उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है। मेरे को तो चाहे आप लोग गालियाँ दो कि ये बंदा ऐसे बोलता, कुछ भी बोलता, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम प्रचार करना है। मेरे लिए वो बोलते हैं ना कि इंसान और वो एक जानवर बराबर है मेरे लिए। मेरे को तो कण कण में, मैं तो कोशिश करता हूँ कि खाने वाने अन्न से लेके हर एक चीज़ में मेरे को परमात्मा दिखे, क्योंकि मेरे अंदर मेरे गुरु के नाम की ज्योत जल रही है। सो बीरे पाथ तभी गिना जाएगा जब आप अपनी इच्छा से करते हो। अगर आप इच्छा से नहीं करते हो, नाइटफॉल होता तो वो बजरीत है, वो माफ़ होता है। क्योंकि नाइटफॉल क्यों होता है, जब आप किसी भी अध्यात्म के रास्ते पे चलते हो तो योगिनी चक्कर चलता है आपके साथ, योगिनी आती हैं, वो आपके साथ संभव करती हैं, तो आपका नाइटफॉल होता है, वो बीरे पाथ करके चल जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग अपनी इच्छा से करते हो तो वो मूर्खता है, साधना में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी साधना करते हो, गुरु मंत्र का भी जब करते हो, उसमें भी आप नहीं करना। ग्रस्त जीवन में रहने का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने बोला ग्रस्त जीवन में रहना, आप लोग सेक्स कर सकते हो, सेक्स करना बुरी बात भी नहीं है, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ, जीवन साथी के साथ करना है, बाहर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। और ये कंडीशन दोनों पर अप्लाई होती है, लेडीज़ पर भी और बंदों पर भी, फील दोनों को होता है ये। और जितना ज़्यादा मंत्र का जप होगा, अध्यात्म के रास्ते पे बंदा चलेगा, उतनी ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि ये काम वासना जागेगी, क्योंकि काम वासना अटैक करती है। बीज मंत्र का जप होता है, मूलाधार चक्र पे अटैक होता है, 5 तत्व से निर्माण हुआ, पहले तत्व पे ही काम वासना विराजमान। आज्ञा चक्र तो ओपन करना दूर की बात है, आप लोग मूलाधार चक्र ओपन कर लो, वो ही बहुत बड़ी बात है। 6ठे चक्र पे मत पहुंचो पहले कि 7-6वें चक्र मेरे को एक्टिवेट करना, पहले नीचे से शुरू हो, गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 से हीरो ही बनता बंदा, गुरु ज्ञान यही कहता है। बाकी आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे आपने मेरे पिछले चैनल को प्यार दिया है जो कि गुरु गोरखनाथ के नाम का है। और मेरी मेल और बाकी जितनी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बस आप लोगों को यही दुआ, वो बोलते हैं ना कि एक रिक्वेस्ट करूँगा और आप लोगों को दुआ करूँगा, आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि इस बंदे का भी भला और आप लोगों का भी भला करो, और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी आप सभी पर कृपा करो, आप लोग वो बोलते हैं ना सभी के जितने भी बिगड़े काम हो सारे सबरे इतनी
बोलते मैं दुआ करूंगा। जय गुरु गोरखनाथ, अलग देश।